नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। IMNB न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। विश्व हिंदू महासंघ भारत की तेलंगाना की प्रदेश इकाई के भद्रादी कोठा गोठेम जिले के चंद्रुगोंडा में भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक योगी मुकेश नाथ महाराज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के प्रदेश प्रभारी मेडी शेट्टी स्वामी ने बताया है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से प्रभावित होकर सनातन धर्म का भगवा ध्वज तेलंगाना में लहराया जा रहा है और धर्मांतरण, मतांतरण, गौ रक्षा, लव जिहाद, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ समाज खड़ा हो रहा है। विश्व हिंदू महासंघ भारत से जुड़कर हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं और कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक मुकेश नाथ महाराज ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए महाराज के नारों को दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू समाज में एकता एकजुटता को महत्वता दो और छुआछूत, छोटी जाति बड़ी जाति के भेदभाव को मिटाकर हिंदू सनातनियों को एक मंच में आने का आह्वान किया। उन्होंने जनजातीय आदिवासी समाज में धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर की है और एकजुट होकर ईसाई मिशनरी के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया है। राष्ट्र कोषाध्यक्ष मातृशक्ति महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर ने महिलाओं को लफ्ज हाथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु राष्ट्र बनाने की मातृशक्ति की अहम भूमिका होने की बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ भारत की मातृशक्ति से जुड़कर महिलाएं राष्ट्र में आने वाली चुनौतियों से लड़ सकती हैं और तेलंगाना विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वैभव सूर्या ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ एक परिवार है और सबको एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में बहुत ताकत होती है। जात पात, ऊंच नीच यह सब नहीं मानना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। भाजपा उत्तर भारत मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र धीर दास धर्मा और विश्व हिंदू महासंघ कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष महावीर कोरावी रमेश खेतान सहित तेलंगाना के आदिवासी समाज के प्रमुख पुजारीगण मातृशक्ति के साथ भारी संख्या में शामिल हुए हैं। एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह योजना प्रारंभ हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा HSRP के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधान सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिससे कि लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को उनके घर से अरेस्ट किया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने शाम को अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हुई, जिसे कि अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।